आदाब, नमस्कार। आप सभी ने जो प्यार इंसानियत के मसीहा दादा वासवानी को दिखाया, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान का बचपन, हिंदुस्तान की जवानी और हिंदुस्तान की ज़ईफ़ी ज़मीन पे जब भी खड़ी हो जाए, दुनिया का मुल्क झुकने लगता है, झुकने लगता है, झुकने लगता है। मैं एक मिनट लेना चाहूँगा और एक मिनट में ये सेशन भी ख़त्म हो जाएगा, पर चाहूँगा कि मेरे भाई राहुल के सामने, बड़े कराची के सामने और दूसरे जो लोग बैठे हैं इनके सामने मैं बताऊँ, हिंदुओं के भगवान को ईश्वर कहा जाता है, किताब को रामायण कहा जाता है और अवतार को राम कहा जाता है। मुसलमानों के ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है, किताब को कुरान कहा जाता है और अवतार को मोहम्मद कहा जाता है। जवानों, इस देश की प्रॉब्लम ये है कि आज का हिंदू अवतार को तो मानता है, अवतार की नहीं मानता। राम को तो मानता है, राम की नहीं मानता। रामायण को तो मानता है, रामायण की नहीं मानता। और देश का मुसलमान अल्लाह को तो मानता है, अल्लाह की नहीं मानता। कुरान को तो मानता है, कुरान की नहीं मानता। और मोहम्मद को तो मानता है, मोहम्मद की नहीं मानता। अगर हम सब मिलके ऐसा ही करने लगें तो देश कभी नहीं बन पाएगा। देश को बनाना है, सियासत को बनाना है, आध्यात्मिक को बनाना है, मुल्क की हर ताकत को बनाना है, तो हमें को के साथ की को भी मानना पड़ेगा। हमें ईश्वर को भी मानना पड़ेगा और ईश्वर की भी मानना पड़ेगा। और जवानों, मुझे पता है आप मुझसे ये बात सुनना चाहते हैं, इसलिए बस 30 सेकेंड में कहना चाहूँगा कि देखो, जब हम बाज़ार जाते हैं तो बटवा निकालते हैं, सामान खरीदते हैं और पैसा देते हैं, लेकिन हर हिंदुस्तानी की आदत है कि वो सड़ी नोट पहले देता है और अच्छी नोट जेब में रख लेता है। समझ में आ रहा है ना? अगर सच बोल रहा हूँ तो बताना। वो सड़ी गली नोट बाहर निकाल देता है और अच्छी नोट अंदर रख लेता है। यही मिसाल सियासत में चल रही है, इसे बदलना होगा। जितनी सड़ी गली नोटें हैं सब पार्लियामेंट पहुंची हुई हैं, विधानसभा पहुंची हुई हैं, रास्तों पे पहुंची हुई हैं। अच्छी नोटें घरों में हैं, मंदिरों में हैं, मस्जिदों में हैं, दरगाहों में हैं, इन सबको बाहर निकलना होगा और MIT के साथ, आप लोगों के साथ मिलकर देश को बनाना होगा, ताकि कल का हिंदुस्तान भी सोना था और आज का हिंदुस्तान भी सोना हो जाए। इन्हीं जुमलों के साथ आप सबसे खुदा हाफिज़ चाहूँ।